हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप यू आर डूइंग गुड। वेरी सॉरी, लाइक मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग आया हूँ बिकॉज मैंने अपने रूटीन में काफ़ी चेंजेस लाए हैं। मैं जल्दी उठता हूँ एंड जल्दी सोता हूँ। कैसे हो आप लोग? थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक्स। मैं कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहता हूँ। डोंट ट्रबल राखी। ओके, अभी मैं आपको उसी टॉपिक पे बात करूँगा। डोंट वरी। ए रमेश, गाइस, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो जो जनता होती है ना, रियली मैं भी एक कॉमन मैन हूं और मुझे लगता है ना कि आप लोगों को जो दिखाया जाता है ना, आप उसी को सच मान लेते हो। मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। आप अगर इस बात को सच मान रहे हो, आप किसी की एक्टिंग को आप सच मान रहे हो, तो उस जो भी मीन्स, मैं तो वैसे लोगों को नाम भी मैं नहीं रखना चाहता हूँ, उस बातों को आप अगर सच मान रहे हो तो सही में बताऊँ कि आप जितने भी लोग उस बात को सच मान रहे हो, डेफिनेटली एक पॉइंट पे आपको रियलाइज़ होगा कि आप लोग बहुत मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। मीडिया का अटेंशन पाने के लिए, किसी भी चीज़ों को करने के लिए किसी से खेल जाना, किसी के लाइफ से खेल जाना, इट्स नॉट गुड। और सबसे बड़ी जो है मीन्स, मैं भी एक जनता ही हूँ, मीन्स मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ हम जनता हैं जो इन बातों को सच मान लेते हैं, जो दिखाया जाता है हमें वही देखते हैं। यहाँ पे कहीं से भी मीन्स आप खुद ही एडमिट कर रहे हो कि मैंने मल्टीपल लोगों को अपना अकाउंट दिया है, तो मल्टीपल लोगों को अकाउंट दिया है तो आप उनसे तो पूछो कि किसने आपका अकाउंट है, आपके अकाउंट को हैक करके मुझे क्या मिलेगा। मैं हार्डली अपने अकाउंट में लाइव बहुत रेयरली आता हूँ, ठीक है। आप खुद ही अपने को अटेंशन, मीडिया का अटेंशन पाने के लिए आप किसी पर ब्लेम कर दो, किसी को कुछ बोल दो, ठीक है। आप खुद इल्लीगल कितने काम कर रहे हो, आप उसके लिए कुछ, आपको कोई पनिशमेंट नहीं दे रहा है तो आप उसको सोच रहे हो, उसको हैबिट आप मत बनाओ। क्योंकि आप जो भी है, अगर आप लीगली किसी को परेशान कर रहे हो तो सब बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैं तो अभी तक चुप था क्योंकि मैं देखो यार, आप हम लोग बहुत सीधे लोग हैं। अगर मुझे कोई भी परेशानी है, कोई भी ऐसे, तो मैं आपसे क्यों मैं डिस्कस करूँगा, राइट। यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं, अगर आप किसी को खुद बता रहे हो कि मेरा अकाउंट मल्टीपल लोगों ने हैंडल किया है, तो आप मल्टीपल लोगों से ये कहो, आपका अकाउंट अगर मैंने हैंडल किया था तो आई वॉज रिस्पॉन्सिबल। मैंने तो जब भी इन्होंने पूछा था, मैंने हमेशा कॉपरेट ही किया कि भाई मुझे इतना होने के बाद मैंने कॉपरेट किया। बट चीज़ें आप हमेशा किसी को ब्लेम गेम, आप खुद 3 साल मेरा बर्बाद किए, ठीक है, करोड़ों रुपये आपने ठगे, मैंने कभी भी ब्लेम नहीं किया, ठीक है। तो आप लोग जो चीज़ें जानकारी नहीं है आप उसके बारे में, और जितने भी लोग जो हैं जिनकी जानकारी नहीं है और चीज़ें अब्यूजिंग, क्योंकि ये सब फेक मीडिया उनके तरफ से लोग हैं। मैं ये सब बहुत करा सकता हूँ, मैं खुद सॉफ्टवेयर का बंदा हूँ, मैं एक से एक आपको कमेंट्स, बट कभी मैंने ये ट्राई नहीं किया है, ठीक है। मैं आप लोगों को बस यही आप लोग को आईना दिखाना चाह रहा हूँ कि जिस यार, आप लोग किसी सेलिब्रिटी को सच्चाई मान लेते हो कि हाँ भाई वो बंदा या बंदी जो है बस रोड पे मीडिया के साथ लोगों को बस खाना बांट रहा है, तो आप उसको सच ले, वाह
बहुत बढ़िया है। या जो जिसको दान ही करना है वो क्यों दिखा के करेगा, जिसको दान ही करना है या जिसको अगर किसी की पब्लिक की सेवा ही करनी है वो दिखा के क्यों करेगा, क्यों दिखा के करेगा? आपको अगर कोई दिखा के कर रहा है मीडिया में पिक्चर के लिए, उसके बाद फिर आपने कितनी बार देखा, कितनी बार देखा कि लाइक लोग यहाँ पे कितनी बार, बहुत सारे लोग यहाँ पे ये करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, बट किसी ने भी जाके मीडिया का अटेंशन के लिए, मैं आज भी मानता हूँ लाइक रतन टाटा, आप उनके पास जाइए, उनके पास लाइक देखिए उन्होंने कितने चीज़ों को किया है, बट कभी आप देखे होंगे कि उनका कोई पिक्चर ऐसा आया हो? सी जो लोग हो रहे हैं, जो लोग अपने को दिखाने के लिए, दूसरे को दिखाने के लिए कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ पर्सनल लाइफ में, सी अगर मैं आपको एक टिपिकली बात ही बता दूँ, आप जाके उनसे पूछो अगर उनकी मेड है, चाहे उनके ड्राइवर हैं, क्यों नहीं उनको ज़्यादा सैलरी दे देते हैं, क्यों नहीं? आप जो सोशल सर्विस कर रहे हो, जो बंदा आपके लिए 24/7 काम कर रहा है, ठीक है, उनको दे दो आप। तो ये सब आपको लॉजिकल पॉइंट थिंक करने हैं, ठीक है? दिखाने से हर चीज़ मीडिया में, आप मीडिया में किसी से शादी कर लिए, मीडिया में किसी को डाइवोर्स दे दिए, मीडिया में कुछ भी आप बोल दिए, हाँ भाई मैं अभी इसके साथ हूँ, मीन इट डजेंट मीन राइट, मैं इन कचरों से दूर हूँ और मैं बहुत शांत हूँ, मुझे सोशल मीडिया का टेंशन, यहाँ पे कुछ फेक लोग लिखते हैं कि लाइक तुम्हें कौन जानता था, तुम नाम कमाने, अरे नाम के लिए मुझे क्या, ये नाम नहीं है बदनाम है, समझे? ये नाम नहीं है बदनाम है, यहाँ पे अरे डीजे सिंह तेरे पर एक कंप्लेंट डालूंगा ना तो अभी अंदर करवा दूंगा, समझा? यहाँ पे फेक मीडिया वाले ये सब इनके लोग हैं, यहाँ पे ये लोग बस, इनको फेक मीडिया चाहिए। जिस दिन मैं अपने ये पे आया ना, अभी तक मैं शांत हूँ, एक दिन भी अपना सोशल मीडिया चला नहीं पाओगे। यहाँ पे लोग जो है ज़्यादातर इनके लोग, यहाँ पे इनका यही अटेंशन, इसने हायर कर रखा है लोगों को कि भाई मेरे खिलाफ़ जाके बोलो, मेरे खिलाफ़ लिखो मेरे ये पे। ऑब्वियसली मेरे यहाँ मेरे काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है, मैं अपना शांत बैठ के अपना काम कर रहा हूँ, मैं इन पचरों से, जब इसने पहले ही बताया कि भाई इसकी सारी असलियत बाहर आ गई जब इसने बताया, तो मैं ऐसे भी दूर हूँ, ऐसे भी दूर हूँ। अब तरह तरह के, वो 2 टके का मैकेनिक वो मुझे बता रहा है, वो 2 टके का मैकेनिक बता रहा है कि हाँ भाई ऐसा था वैसा था, ऐसा था वैसा था, जब तक पैसे देते रहा तब तक तो अच्छा था, जब पैसे नहीं दिया तो भाई आप एक सेकेंड हैंड कार के लिए, सेकेंड हैंड कार के लिए आप पूरा रिश्ते बदल देते हो। क्या आपकी माँ कहती है कि हाँ भाई आप मुझे इतने लाख रुपए दो तो मैं बच्चे मीन्स लाइक आपको पैदा करूँगी, क्या ऐसा सुनने में आया है कभी? आपकी पत्नी बोलती है क्या कि आप इतने लाख रुपए दो तभी मैं आपके साथ रहूंगी? या आपकी गर्लफ्रेंड ही आपको बोलती है कि क्या भाई इतने लाख रुपए दो, इतने करोड़ रुपए दो तो मैं रहूंगी? तो ये सब फेक चीजें हैं, इनको आप लोग नजरअंदाज करो, मैं कहीं भी इनसे दूर हूं, ठीक है? और मुझे कहीं भी, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं कि भाई मुझे कोई नेम फेम नहीं चाहिए। मैंने लाइक पहले भी बताया है कि बिग बॉस में मेरे वजह से इनको लिया गया है, आप जाके बिग बॉस के टीम से पूछिए, बिग बॉस में मेरे वजह से लिया गया है और मुझे किसी भी अटेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अटेंशन से पैसे नहीं आते हैं, और मैं उस टाइप का इंसान ही नहीं हूँ कि इसको ठग लिया, उसको ये कर दिया। मैं तो आपको पूरी हिस्ट्री बता दूंगा, मेरे पास सारे प्रूफ है, मैं तो सारी हिस्ट्री बता दूंगा, किससे आपने कितने ठगे हैं, किससे क्या लिया है, आपके पास क्या है, बट आई डोंट वॉन्ट टू से दिस थिंग्स,
क्योंकि अगर आप इसको किसी भी बंदे को आप कह रहे हैं कि इस टाइप का सेलिब्रिटी है, तो भाई मैं वो उस टाइप का सेलिब्रिटी नहीं हूँ और ना बनना चाहता हूँ। ठीक है, मैं बहुत दिन तक चुप था कि मैं छोड़ो यार, अपनी लाइफ है, जब आपको आपको मेरे से कोई मतलब ही नहीं है तो फिर क्यों।